एक ही बात है, दो बातें कहाँ हुई? हाँ, प्रसन्न चित्त बनना अलग बात और संशय लाना अलग बात। प्रसन्न चित्त है कोई, लेकिन प्रसन्न चित्त होते हुए भी कोई मंद बुद्धि है, बात समझ में नहीं आती है, तो सच्चे साफ दिल से पूछ सकता है। एक होता है अनिश्चय बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि हुआ, दिल साफ नहीं हुआ, दिल में कालापन भरा हुआ है, तो वो अलग बात है। एक ही बात दूसरे के मुख में जाएगी तो बात का रूप बदल जाता है, कोई न कोई अक्षर बदल जाएगा, वाइब्रेशन बदल जाएगा, दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी, अर्थ बदल जाएगा। फिर समझाने वाले का वाइब्रेशन कुछ और समझने वाले का वाइब्रेशन कुछ और हो जाता है, वायुमंडल कुछ और हो जाता है, घड़ी घड़ी वायुमंडल बदलता रहता है, उसमें भी फर्क पड़ जाता है। तो
जयंती को गवर्नमेंट मनाती है तो गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है इसलिए मनाती है। गवर्नमेंट भ्रष्टाचारी है या शिष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट वो गांधी जी को तरजीह देती है। हाँ जी, आप रास्ते में नहीं खड़े होइए, आप तो बाहर जाइए। यहाँ हाल में ही खड़े होके सारी कॉन्फ्रेंस करनी है क्या? भगवान कहता है, भगवान समझता है, उनको बाबा कहते हैं, ये है हिरण्यकश्यप। अब ब्रह्मा ऐसा समझते हैं ना, नहीं गीता की भगवान है। गीता का साकार भगवान जिसके मुख से गीता ज्ञान सुनाया जाता है, गीता ज्ञान तो मुख से ही सुनाया जाएगा ना, तो वो साकार मुख जो गीता का भगवान है उसे आत्मा स्वीकार करेगी ना। कौन है गीता का साकार भगवान? है? हाँ जी, अभी ब्रह्मा समझते हैं ना आपको? अभी भी 63 जन्मों के संस्कार हैं, वो सूक्ष्म शरीर होने पर भी अधिक है। हाँ ठीक है, जैसे फिल्मों में फिल्मी गीत आए हैं, फिल्मी गीत जिन्होंने बनाए हैं वो सदैव उनकी भाव भंगिमा एक जैसी नहीं होती है, कभी सात्विक स्टेज भी होती है। वो सात्विक स्टेज तत्वप्रधान परमपिता परमात्मा के ही वाइब्रेशन होते हैं। उन्होंने बनाते समय उन फिल्मों के गीतों के अर्थ को नहीं समझा था, उन्हीं अर्थों को बाप आकर के समझाते हैं। वो ही शास्त्रों के महावाक्य जिनमें सच्चाई भरी हुई है, वो तत्वप्रधानता की स्टेज जिन मनुष्य गुरुओं ने, वो मनुष्य कवियों ने वो शास्त्र के ऋग्वेद या ऋचाएं तैयार की थी, वो नहीं जानते थे कि वो वास्तव में क्या बोल रहे हैं, उसका सही अर्थ बाप आकर के बताते हैं। माना वो सत्वप्रधानता की जो भी स्टेज उस समय थी वो बाप की स्टेज है, याद की स्टेज है, उनकी अपनी स्टेज नहीं है। और ब्रह्मा की सोल भी सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो चार अवस्थाओं से पसार होती है। जब गुलजार दादी में प्रवेश करती है उस समय तो विशेष याद की स्टेज में होते हैं। साकार में निराकार की याद नहीं होती है, क्योंकि वो देह अभिमानी स्वरूप है, सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करने वाला। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो धर्म पिताएं हैं वो भी जब इस सृष्टि पर उतरते हैं
तो जो वाक्य बोलते हैं उनमें सच्चाई भरी हुई होती है, वो सच्चाई उन्होंने संगम युग में इसी समय पकड़ी है, वो सच्चाई बोलते हैं। हाँ जी, क्या आंखों में परिवर्तन नहीं देखा निराकारी स्टेज का? किसमें? गुलजार दादी में, धर्म पिताओं में तो होता ही है, लेकिन गुलजार दादी की आंखों में परिवर्तन नहीं देखा? चेहरे मोहरे में परिवर्तन हो जाता है, वो परिवर्तन साधारण भूत प्रेतों जैसा नहीं होता। और जहाँ हमारा मन हो गया वहाँ हमारा मन हो गया, वहाँ हमारा धन भी धन हो, तन हो धन, लेकिन कुछ बच्चे धन का विशेष सेवा करती है, महल मारी देती है, धन के लिए सारा तो नहीं देते, सारा महल मारी तो नहीं अर्पण कर देते। अगर सारा ही अर्पण कर दे तन और धन, तो मन भी सारा कहाँ जाएगा? सारा ही वहाँ चला जाएगा। ऐसा अर्पण करने वाला, वो तो यज्ञ की हिस्ट्री में ब्रह्मा ही प्रत्यक्ष रूप में देख में आया। प्रजापिता का तो पता भी नहीं चला क्या आया क्या गया, वो तो बाप ने बताया। हाँ जी, अरे आप लोग एक बार नहीं उठ जा सकते, एक बार में उठ के चले जाओ बाहर। एक तो वैसे ही तमो प्रधानता बढ़ती जा रही, कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, अपनी 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 भाषा में बोल दो, अपनी भाषा में बोलो, तेलुगु में। अरे तेलुगु लो चप्पू। बोलो बोलो, ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं। हाँ, जो ज्ञान में आने के बाद शरीर छोड़ते हैं वो ज्ञान के संस्कार ले जाते हैं, और जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे, जन्म लेने के थोड़े समय के बाद ही उनके ज्ञान के संस्कार देखने में आवेंगे। ज्ञान में आएंगे, ज्ञान में आएंगे ना आए ये सवाल ही नहीं होता, जैसे राम वाली आत्मा का मिसाल दिया। ये ज्ञान विनाशी है या अविनाशी है? अविनाशी ज्ञान है, इसका विनाश नहीं होता। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो यहाँ पढ़ लो, डिग्री ले लो, और मर गए तो सब खला, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पर नहीं पड़े। यहाँ तो अगर कोई आत्मा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ती भी है तो भी पढ़ाई का तंत उसकी आत्मा के साथ ही जाएगा। जहाँ कहीं भी जाके जन्म लेगी, और ज्ञान में आके जन्म लिया और वो ही स्टेज पकड़ लेगी निराकारी स्टेज की। ज्ञान में आने मात्र से ही वो निराकारी स्टेज उतनी स्टेज की पकड़ लेगी जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी। जैसे राम वाली आत्मा, उसका जो है जानवर कुत्ता है, कुत्ता है, जानवर कुत्ता, कुत्ता डॉग। हाँ, एक है गांड की पढ़ाई और डॉग की पढ़ाई, उसको बोलते हैं। हाँ जी,
जानवर को सृष्टि में लोग ज्ञान की बातें हैं ना बाबा, कुत्ते को, कुत्ते को हाँ जी, लेकिन कुत्ते बाबा क्या कहते हैं, कुत्ते है काम विकार की वाइब्रेशन काम विकार का बनाने वाले हैं। हाँ जी, उनके सान्निध्य से, उनके वाइब्रेशन से उनका जो वायुमंडल बनता है वो काम की मेंटलिटी का वायुमंडल होता है। इसलिए हिंदू लोग कुत्तों को अपने घर में पालना पसंद नहीं करते हैं। और किचन्स में काम विकार को बढ़ावा देते हैं या उसको घटाते हैं। इसलिए क्रिश्चियंस जो है जो सेनापति अपना बनाएंगे ना, वो सेनापतियों में भी वो स्टेज ज्यादा होगी। ये भिखारियों का सेनापति है, इतनी अच्छा युद्ध मुसलमान करते हैं, उतना अच्छा युद्ध क्रिश्चियंस नहीं करते हैं। युद्ध कला में इस्लामी बहुत सीखे जाते हैं। ये तो जाति पालना करना है ना, क्योंकि धाम विकार इसमें जाति होती है, धाम विकार इसी में जाति होती है, इसलिए इस्लामी जाति पालना करना है। इसलिए पालना करते हैं कि वो ठंडे प्रदेशों के रहने वाले हैं, ठंडे प्रदेशों में काम विकार उतना पनपता नहीं है, तो उसको ज्यादा है पनपाने के लिए वो जानवर को अपने साथ रखेंगे तो वाइब्रेशन और ज्यादा खराब होगा। हाँ जी, इस्लामी वाला जाति पाना करना है इसका, क्योंकि काम विकार की प्रतिनिधित्व करने वाला वो है इस्लामी है, और काम विकार जाति कुत्ते में रहती है, क्रोध विकार की प्रतिनिधित्व करने वाला वो क्रिश्चियन लोग है। क्रिश्चियन लोग क्यों कुत्ते को क्रोध विकार इसीलिए पालते हैं क्रिश्चियन लोग कुत्ते को, कि उनमें अपने अंदर की जो रग है वो ठंडे प्रदेशों की होने के कारण काम विकार की नहीं है। अगर वो काम विकार को उत्तेजित नहीं करेंगे तो उनकी जनसंख्या कब रह जाएगी दुनिया के मुकाबले। हाँ, और क्रिश्चियंस की मेंटलिटी ये है कि हमारी जनसंख्या कितनी संसार में बढ़ेगी उतना हम विश्व विजयी बनेंगे, उस जनशक्ति को बढ़ावा देते हैं, देने वाला धर्म है। इसलिए कुत्तों को पालने से समझते हैं कि हमारे अंदर काम विकार ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा जनरेशन पनपेगी क्रिश्चियंस की, और हम विश्व विजयी बन जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की भी यही मेंटलिटी रही, माताओं की भी आजकल की दुनिया में यही मेंटलिटी होती है कि सारे बच्चे हमारे कंट्रोल में आ जाए, बहुत प्यार देगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ जी, या तो ले जाओ कोई आ जाए। घर ले जाओ, आप अकेले नहीं हैं, अभी रख दो बाद में। इस समय भारत पूरा नास्तिक है, जो पूरा पतित होगा वही पूरा पावन बनेगा, जो पूरा आस्थावान होगा वही पूरा नास्था न आस्था, कोई मनुष्य मात्र पर उसको आस्था नहीं, सब झूठे हैं।
तो गलत बात है या अच्छी बात है? हैं? इस कली की दुनिया में अंत में आकर के जब सब धर्मों में अधर्म आ गया और भगवान इस शक्ति पर है नहीं, तो गॉड फादर इस दुनिया में है नहीं, तो कोई मनुष्य के ऊपर आस्था रख लेना अच्छी बात है या खराब बात है? हाँ जी, इसलिए राम राम की आत्मा के लिए बोला भारत है इस समय पूरा नास्तिक है, अच्छी बात है ना। लेकिन अगर बाप की पूरी पहचान हो जाए तब आस्थावान होना अच्छी बात है या खराब बात है? बाप के ऊपर, हाँ जी, अच्छी बात है। इस समय मुरली में आता है भारत पूरा नास्तिक है, पूरा माना 1% भी किसी मनुष्य मात्र के ऊपर आस्था है या नहीं है? नहीं है। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए किसी मनुष्य के ऊपर आस्था। अगर किसी मनुष्य के ऊपर आस्था नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? अपनी मनमानी करेगा, मोनार्की चलाएगा, किसी की बात नहीं मानेगा। अगर किसी एक के ऊपर आस्था होगी तो उसकी बात मानेगा। तो अभी आस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बाप तो निराकार बिंदी है। अरे आस्था माने किसके ऊपर आस्था? किसके ऊपर आस्था? बिंदी के ऊपर या बिंदी कोई साकार के द्वारा आस्था? वो कौन है? नहीं, शिव बाबा तो खुद ही हो गया फिर। या तो वो अपन को माने स्वीकार करे या शिव हम। तब क्या है? हाँ जी, वैष्णवी मैदान में आए तब ना सच्चाई को स्वीकार करे। वैष्णवी अगर खुद ही सच्चाई को स्वीकार नहीं करती, एडवांस नॉलेज को स्वीकार नहीं करती, तो उसके ऊपर आस्था कैसे जमाई जाए? सबकी बात अलग। हैं? अब जो पान का बीड़ा उठा ले, बच्चों में से कोई भी बच्चा, बेसिक नॉलेज का बच्चा, एडवांस का बच्चा, कृष्ण बच्चा तो है ही नहीं मौजूद। वो तो साकार शरीर से है ही नहीं। जिसके द्वारा साकार शरीर से काम करता है वो तो फ्रंट में हो गई, वो तो फ्रंट में आ गई। हम सब खेड़ बखेड़ा कर देंगे, बिगाड़ देंगे सब। हमने ही घर बनाया है, हम ही घर को उजाड़ देंगे। सबको अनिश्चय बुद्धि बना देंगे। उसके ऊपर आस्था रख ली जाए? अरे आस्था स्थापनाकारी के ऊपर रखी जाए या विनाशकारी के ऊपर रखी जाए? स्थापना प्योरिटी से होगी या स्थापना इम्प्योरिटी से होगी? प्योरिटी से होगी। तो प्योरिटी वाला मैदान में आना चाहिए ना। अभी आपके पूछने का सवाल रह गया, इसलिए तो बोला विजय माला का आह्वान करो। और कोई भी ये दम नहीं है। रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए?
आह्वान करने से नहीं आते ना बाप, शेष बनना। बाप को आह्वान करने की बात नहीं, विजय माला को आह्वान करने की बात बताई। बाप तो आह्वान करने से आता ही नहीं। विजय माला तो आह्वान करने से नहीं आता है ना, क्यों नहीं आएगी? वो मनुष्य आत्मा है या परमात्मा या परमपिता है? मनुष्य आत्मा है। मनुष्य आत्मा तो योग बल से उनके उनसे चयन किया जा सकता है वाइब्रेशन को, तो बनना चाहिए। हाँ जी, बाबा भगवत क्या है संबंध क्या है? श्रीमद् भगवत गीता यज्ञ के आदि में चले जाइए और अंत में चले जाइए। श्रीमत है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा की मत, माने शिव ने जो मत दी किसके द्वारा दी? शिव ने जो श्रेष्ठ मत दी वो किसके द्वारा दी? माता द्वारा दी। तो माता के द्वारा जो मत दी गई उस श्रीमत के आधार पर जो माता ठहराई जाती है वो माता कौन? जगदम्बा सहन शक्ति के रूप में माता मानी जाए? ब्रह्मा ही माता है। लेकिन ब्रह्मा ही तो संपन्न रूप है क्या? ब्रह्मा का संपन्न रूप क्या है? नहीं, ब्रह्मा सो विष्णु है। तो वही वैष्णवी देवी यज्ञ के आदि में भी थी और अंत में भी मैदान में आएगी और प्रैक्टिकल में ज्ञान को चरितार्थ करके दिखाएगी। और शिव परमात्मा का अंतिम तीसरा रूप है जो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। तो प्रैक्टिकल सबसे ऊंचा होता है या मुख से बोलना ऊंचा होता है? हाँ जी, तो श्रीमद् भगवत गीता यही बात तो आज की मुरली में भी आई थी। हाँ जी, तुम बच्चे सृष्टि पर धन धाम करा सकते हैं, तुम बच्चे सृष्टि पर धन धाम करा सकते हैं। अंत में तो तीन धाम होता है ना, और कंट्रोल करने की अगमड़ा जो आप जो समस्या करते हैं उसकी बात है क्या? अलग अंत में तुम बच्चे तीन मिनी मधुबन बनेंगे, तीन पांडव भवन बनेंगे, एक शांति धाम तपस्या धाम, एक सुख धाम है। हाँ जी, और एक वो धाम जिसे कहेंगे दुख धाम, जहाँ से सारी दुनिया का कंट्रोल होगा। तपते राज कर नरका, सर्विस फील्ड की स्टेज में जब पहुंचते हैं तो सर्विस करने का भी नशा चढ़ जाता है। बाप कहते हैं वो सर्विस सारी मैं कराता हूँ, तुम तो तमो प्रधान आत्मा हो, तमो प्रधान आत्मा कोई सेवा नहीं कर सकती। लेकिन अहंकार में आते हैं तो ये समझते हैं सारी सेवा हमने की, सारे विश्व को कंट्रोल करने वाले हम हैं। जैसे शास्त्रों में प्रजापिता को अहंकार आता है, प्रजापति को आखिरी साबित हो जाता है
कि तुम विश्व के मालिक नहीं हो, तुम तो बकरे का मुख वाले हो। वो ज्यादा पति तो बने तो उन्हें ज्यादा तपस्या नहीं करनी पड़े नंबर 1। जो पालना करने योग्य हो वो ही, जो शक्ति को प्रैक्टिकल रूप में ग्रहण करने योग्य हो वो ही। शक्ति तो एडवांस ज्ञान है, लेकिन एडवांस ज्ञान को सिर्फ मुख तक नहीं, ऐसे नहीं जीव बाहर दिखाई पड़े कि बहुत बोलता है सच्चा बोलता है, नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाए। जोड़ी भी परमात्मा है, जोड़ी तो रूप और बसंत की है ना, रूपवान माने याद का पुतला, और बसंत माने दिव्य गुणों की धारणाओं का पुतला, लक्ष्मी नारायण, नारायण है रूप तो लक्ष्मी है बसंत। हाँ जी जी, पतित दुनिया मेरी है, पावन दुनिया मेरी है, तो पतित दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये बोलने वाला क्यों नहीं है? पावन दुनिया मेरी है, जो बोलने वाला है वो पावन दुनिया में होता है क्या? तो कौन है बोलने वाला? जो पावन दुनिया में होता है वो ही बोल रहा है। पावन दुनिया मेरी है ये कौन बोल सकता है? निराकार बोल सकता है, बिंदी बोल सकती है, ये बिंदी जिसमें प्रवेश होकर के बोलती है वो बोलता है, वो बोलता है। पावन दुनिया मेरी है तो पतित दुनिया मेरी नहीं है क्या? पतित दुनिया में भी वो किसी से झुक के नहीं रहता, बाबर जैसों को लोहे के चने चबा देता है। बाबर नहीं जन्म, औरंगजेब जैसों को लोहे के चने चबा देता है। अकबर महान का टाइटल लेने वालों को लोहे के चने चबा देता है। जीते जी झुकता नहीं कभी। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो, चाहे निगेटिव रूप में और चाहे पॉजिटिव रूप में। नीचे निगेटिव दुनिया का भी वो बाप है और पॉजिटिव दुनिया का भी वो बाप है, हीरो पाठधारी है। वो ये बात कैसे लागू होती है?
ये बाप कैसे लागू, बाप कैसे लागू होते हैं, ज्ञान बाप अभी क्या दे रहा है तो इसलिए ऐसे लागू हो जाएगा। और कोई क्या नारद माना ज्ञान देने वाला है ना, तो भक्ति की शिरोमणि कहा जाता है नारद, नार माने देने वाला, दा माने देने वाला, नार माने ज्ञान जल, जो सिर्फ ज्ञान जल देता है लेकिन खुद नरक की दुनिया में ही विचरण करते हुए देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल में अभी क्या जो फर्स्ट क्लास नारद है उसके ऊपर नहीं लागू होता है, है? होता है। सोमवार की भ्रम है सोमवार मंगलवार वो सोमवार से शुरू करती है, लेकिन रविवार से शुरू करते हैं ऐसा इसलिए है कि कर्ण किसका बेटा था, सूर्य पुत्र था, और पांडव किसके बेटे थे, पांडु के बेटे थे। पंडा कौन है, पंडा है शिव बाबा, वो सूर्य बन करके बैठा लेकिन ज्ञान सूर्य था नहीं, असली ज्ञान सूर्य शिव बाबा ही है। तो एक नकली का पुत्र और एक असली का पुत्र, उसको कहते हैं कर्ण। नाम क्यों पड़ा, शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर है। सबसे जास्ती ज्ञान सुना किसने, तो कर्ण कौन हुआ, कौरवों का सबसे जास्ती ऊंची स्टेज का सहयोग किसने दिया, वो किसको फॉलो करने वाला साबित हुआ, क्रिश्चियंस को या देवताओं को, कृष्ण क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। अब समझ में आ गया होगा, ये बात पर है गीता का भगवान को। और दूसरी तरफ ऐसे कहती है बाप तो सर्व राशि नहीं है, सारा मजा इस पर भी है, दोनों एक है, एक ही बात तो है, एक व्यापी या सर्वव्यापी। अगर कृष्ण व्यापी भी है तो 500 करोड़ भक्तों में भी व्यापी है, पत्तों में व्यापी नहीं है, बीज में व्यापी है। बीज एक है, पत्ते अनेक है, वही बीज गीता का भगवान है। और जो दूसरे धर्मों के मुखिया हैं, उनको कंट्रोल करने वाले उनके पूर्वज माने नारायणों के भी पूर्वज कौन हैं? नारायण पहले हैं या नारायणों से पहले भी कोई और है? सत्युग में 8 नारायण हो गए। हाँ,
नहीं, संगम युगी नारायण तो एक है, लेकिन सतयुग के आठ नारायण हैं। हाँ, जो आठ नारायण हैं, उन आठों नारायण में कोई कोई पूर्वज हैं या नहीं है? कौन है? वही बीज रूप। तो जो बीज रूप है वही उन रत्नों में प्रवेश करते हैं। शरीर छोड़ के नहीं, शरीर रहता है अपना, लेकिन अपने शरीर को जब चाहे तब त्याग करें और जब चाहे तब ग्रहण करें। जैसे शंकराचार्य का मिसाल देते हैं, ऐसे संभव है। 12 ज्योतिर्लिंगम किस आधार पर गाए जाते हैं? तो ऐसी निराकारी स्टेज पाने वाली कोई 12 आत्माएं तो होती है, लेकिन उनमें शिव तो नहीं प्रवेश करता। 12 में कौन प्रवेश करता है? बाप दादा, बाप दादा। अभी बाप दादा को अलग अलग किया हुआ है, तुम बच्चे बाप दादा को अलग अलग करेंगे, वो फिर मिल करके एक हो जावेंगे। तो जब एक हो जाते हैं, गीता का भगवान बाप और दादा दोनों ही एक को ही स्वीकार कर लेते, तो दोनों की पावर मिल करके एक हो जाती है। राम और कृष्ण वो प्रवेश करती है उन आत्माओं में 11 में, इसलिए 11 रुद्रगण माने जाते हैं। चार तो विरामी है, विपरीत धर्म वाले है, नष्ट देव है। क्योंकि आज में उन्होंने बहुत सहयोग दिया, आज में जो बीज बोया जाता है वो कम पावर देता है या ज्यादा फसल देता है? ज्यादा फसल देता है, इसलिए बोला है दिल्ली वाले अंत तक बाप से सहयोग लेने के हकदार हैं, जब लेना चाहे तब। भले अहंकार के कारण वो लंबे समय तक बाप से सहयोग नहीं लेते हैं, लेकिन आखिरी नास्तिक से नास्तिक आत्मा को भी झुकना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सातों नारायण के नीचे जो भी जनरेशन है और धर्म वंशियों की, वो सब अपना बाहुबल का आखिरी वार कर करके थक जाती है, तब अंत में वो निगेटिविटी का बार जो है राम वाली आत्मा अपने हाथ में लेती है। विष से विष मारना है, लोहे से लोहा काटना है, और सारे संसार के जो भी विषैले जीव जंतु हैं, लोहे समान जिनकी बुद्धि है पत्थर बुद्धि, उनको काटने का काम वो रामकृष्ण की आत्माएं करती हैं। यहाँ बुद्धि पेट में प्रवेश होता है संगम युग में, और वहाँ सतयुग में स्थूल पेट में प्रवेश होकर के जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब प्रवेश करता है तब उनको मालूम पड़ता है कि अब प्रवेश
पैर प्रवेश करेगा कैसे? प्रवेश करेगा, उनको अपना घोड़ा मिलेगा तभी तो प्रवेश करेगा। पावरफुल में प्रवेश होता है या कमजोर में प्रवेश होता है? कमजोर आत्मा में प्रवेश तब तक होगा जब तक वो कमजोर है। माना राम वाली आत्मा जब तक कमजोर है तब तक देहबान रूपी गधा उसमें सवारी करता रहेगा। गधा कहो, बैल कहो, कुछ भी कहो। और जैसे ही राम वाली आत्मा बीज रूप स्टेज को परिपक्व रूप से धारण करेगी, वो छलांग लगा के बैल के ऊपर सवारी हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है, जिस पार्ट के बारे में इतना अनिश्चय बुद्धि हो रहे हैं, वो मूल रूप में कारण कौन है? राम वाली आत्मा कारण है या कृष्ण वाली आत्मा कारण है? विकारों का बीज कौन है? नहीं, देवान काम विकार। तो हाँ जी, रावण को 10 शीस दिखाए जाते हैं। 10 शीसों में मुख्य शीस है काम विकार। और काम विकार को भी पैदा करने वाला बाप कौन है? गधा। है जी, अरे पांच विकारों का बाप कौन है? अरे माता और पिता दो ही तो सारी सृष्टि के बीज है, कारण है, है? हाँ, तो हम बीज प्रथम पिता कारण है या माता कारण है? पिता कारण है, काम विकार का पैदा करने वाला। अरे देवान माताओं में ज्यादा होता है या पिता में होता है? धरणी में देवान ज्यादा है या सूर्य में देवान है? पुरुष, पुरुष, पुरुष जो शरीर रूपी पुरी में निवास करता है। दो आत्माएं हैं शरीर रूपी पुरी में निवास करने वाली, एक है शिव, वो भी आत्मा है, और एक है राम वाली आत्मा। कंट्रोल कौन करता है और कंट्रोल्ड होने वाला कौन है? तो किसकी किसकी बात प्रधानता में मानी जाएगी? ज्ञानी आत्माएं किसको देखेंगी? शिव ने तो जिसको चुनना था चुन लिया। श्रेष्ठ को चुना होगा या धर्म पिताओं की तरह नंबरवार भ्रष्ट को चुना होगा? ऊंचते ऊंच बाप को जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। ये मुरली का महावाक्य क्या साबित करता है? मनुष्य शक्ति भले ये फैसला न कर पाए, मनुष्य आत्माएं भले ये फैसला न कर पाए 63 जन्मों में कि ऊंचते ऊंच पाठधारी कौन, लेकिन वो ये फैसला करके आता है। दुर्योधन दुर्शासन किस आधार पर कहते हैं? हैं? नहीं, काम विकार के आधार पर दुर्योधन दुर्शासन कहते हैं। माताओं में काम विकार उतना तीव्र नहीं होता है। काम की मार करने वाली मोस्टली माताएं नहीं होती हैं, पुरुष होता है, पुरुष चोला होता है। यहाँ हम ज्ञान में चलने वाले चोले को नहीं देखते, क्या देखते हैं? दुरी दुरी में हम राम वाली आत्मा देखते हैं
या स्त्री पुरुष का चोला देखते हैं। अगर चोला भी देखते हैं तो अनेक जन्मों के आधार पर देखना है या दो चार जन्मों के आधार पर देखना है, है? अनेक जन्मों के आधार पर देखना है। भले चोला हम देखते हैं अनेक जन्मों के आधार पर, अनेक जन्मों के आधार पर वो आत्मा सबसे जास्ती पतित कामी कांटा बन गई। उस कामी कांटे को कामी कांटा बनाने के निमित्त कौन हुआ? जो इस्लामियों में और मुसलमानों में कहावत आती है, कहानी आ रही है कि एडम और ईव को खुदा ने जन्नत दी, जन्नत के बगीचे में भेज दिया, लेकिन एक पख लगा दी। इस गंदुम फल को नहीं खाना, और ईव का दिल बिग गया और उसने फल खा लिया, तब से नीचे गिरना हो गया। तो एडम और ईव के बीच में आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने वाला जाति कौन है? एडम, जो बीज है ऑटोमेटिकली। जड़ को बीज नहीं कहा जा सकता, बीज का कनेक्शन धरणी से ज्यादा होता है या जड़ का कनेक्शन धरणी से ज्यादा होता है? जड़ ज्यादा समय तक, लंबे समय तक, आदि से लेकर अंत तक धरणी के संपर्क संसर्ग में रहती है, और बीज तो थोड़े समय के लिए संपर्क में आता है और अपने को खाक में मिला देता है, फिर 5,000 वर्ष के बाद फिर वो बीज तैयार होगा, प्रत्यक्ष होगा। उसके बीच में कोई भी उस बीज को पहचान नहीं पाता। वो परिवार संपन्न होना चाहिए 100% या अधूरेपन वाला होना चाहिए? नंबर वार होना चाहिए। जो जिस परिवार के सदस्य संपन्न स्टेज वाले होने चाहिए या कोई अधूरे होंगे तो भी काम चलेगा, तो कितने होने चाहिए? कम से कम दो होना चाहिए। अच्छा, अरे इतने कितने हैं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते? 8 है बस, वही संपन्न स्टेज वाले हैं। बाकी जो सजाएं खा जाते हैं वो सब डिफेक्टेड है। आठ ही दे सकते हैं, आठ ही देखने वाले हैं, आठ ही पालना देने वाले हैं, आठ ही पूर्वज हैं। ब्रह्मा को हजार भुजाएं दिखाते हैं, और जब रुद्र की यज्ञ रचते हैं, रुद्र की यज्ञ रचते हैं तब 1,00,000 कम से कम 1,00,000 की सारी ग्राम को दिखा देना होगा। वो उसमें क्या अंतर है ब्रह्मा की 1,000,000 को? और जो 1,00,000 है ये वो आत्माएं हैं जो ज्ञानी तो आत्माओं का परिवार है, राजधानी है। हाँ जी, अकेले सूर्यवंशी हो तो भी कंप्लीट राजधानी नहीं, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों का मेल, वो कंप्लीट राजधानी जब तैयार होती है तो 1,00,000 आत्मिक स्थिति वाले पक्के हैं। इसलिए जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कम से कम 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं। वो प्रजा वर्ग है
जो हजार हैं वो उसमें शामिल हैं, लेकिन एक लाख में से जो हजार हैं वो स्पेशल ब्रह्मा की भजाएं हैं, जो बहुत सहयोगी है। प्रजापिता ब्रह्मा की भुजाएं नहीं, ब्रह्मा की भुजाएं पालना देने में ब्रह्मा का विशेष सहयोग करने वाले। हाँ जी, स्थापना के कार्य में प्रजापिता ब्रह्मा की सहयोगी, अभी बोला है व्यक्तवाणी में, ब्रह्मा को हजार भुजाएं हैं गाई हुई हैं, तो हजार भुजा वाला ब्रह्मा इस समय है प्रैक्टिकल में, तब तो हजार भुजाएं दिखाई गई हैं। भुजाएं चलाने वाले के बगैर अपना कार्य नहीं कर सकती, इसका मतलब भुजाओं को चलाने वाला भी कोई प्रैक्टिकल में मौजूद है, वो कौन है, ब्रह्मा है या प्रजापिता ब्रह्म है, है? प्रैक्टिकल में है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा देते हैं, तो प्रैक्टिकल में हजार भुजाओं को चलाने वाला कोई है या नहीं है, कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा। अर्धनारीश्वर किसकी यादगार है, बाप दादा दोनों की यादगार है ना, उसमें बाप पुरुषतन का पार्ट बजाता है, दादा नारी चोले का पार्ट बजाती है, दोनों का मिक्स रूप जो है वो ब्राह्मणों के परिवार की पालना करता है, नहीं तो ब्रह्मा के द्वारा तो 400, 300, 400 की ही पालना हुई, अभी तो संख्या कितनी है, अभी तो दोगुनी संख्या होने जा रही है, इनकी पालना कैसे हो रही है, जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करके बैठती है वो तो झाड़ू लगा के सबको भगा देगी, तो पालना देने वाला अभी कौन है, कोई है या अपने आप पालना हो रही है बिना माता के। कोई संत है, संत की कुछ बातें हैं जो खुलना बाकी है, ये संत की बातें खुल जाएंगी और जो फाउंडेशन डालने वाली विशेष आत्माएं हैं आठ, उनके पार्ट भी क्लियर हो जाएंगे, इतना ज्ञान क्लियर हो जाएगा, तो ज्यादा विस्तार में जाने की क्या जरूरत है, आठ के द्वारा स्वतः ही सब कुछ विस्तार हो जाएगा। जो माता की पाठ बजाया रकम में, वो माता के संस्कार ज्यादा होंगे, उसको माता के जन्म ज्यादा लेने पड़ेंगे, क्योंकि संस्कार भरने का समय कौन सा चल रहा है, संगम युग, संगम युग है, जन्म जन्मांतर के संस्कार भरने का युग, यहाँ जो ज्यादा सहन शक्ति धारण करेगा वो जन्म जन्मांतर
सहन शक्ति धारण करने वाली माता का पाठ बजाएगा। इसमें अव्वल नंबर ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा तो थोड़े समय के लिए पालना का पाठ बजाया और थोड़ों का पाठ बजाया, और ब्रह्मा अधूरा रूप है या संपूर्ण रूप है? सिर्फ संपूर्ण रूप कौन है? वैसे भी वो सबसे ज्यादा स्त्री चोले धारण करेगी, कम से कम एक जन्म लगातार स्त्री या पुरुष का मिल सकता है, और ज्यादा से ज्यादा दो जन्म लगातार स्त्री या पुरुष के मिल सकते हैं। तो ऐसी भी कोई आत्मा होगी जो 500 करोड़ और 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती स्त्री चोले धारण करती हो, और सबसे जास्ती सहन शक्ति का पाठ बजाती हो। नहीं तो दो रानियां जहां आपस में मिलती हैं, कितना झगड़ा फसाद पैदा कर देती है परिवार में, और वो तो हजारों हजार पद्मिनी रानी की कहानी है। हजारों रानियां थी और एक कंट्रोलर थी, कितना सहन करना पड़ता होगा। विकारी दुनिया थी या निर्विकारी दुनिया थी? विकारी दुनिया थी। वो विकारी दुनिया के बीच में उन विकारी रानियों के काया कर्म कृति पार्ट देखती नहीं होगी क्या? देखती थी, समझती थी, फिर भी सहनशीलता से पार्ट बजाती थी या उखड़ पड़ती थी? है सहनशीलता से पार्ट बजाती थी। परंतु लगा हुआ है ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु खत्म। बाप जानता है ना ये पृथ्वी का पहला पत्ता है, वो पत्ता सब 500-700 करोड़ पत्तों में जो भी बच्चे रूप है उन सब बच्चों में शिरोमणि है, तत्व प्रधान है। जानता है या नहीं जानता है? जानता है, इसलिए उस बच्चे को मस्तक पर विराजमान करके रखा हुआ, सर माथे पर, जैसे लौकिक बाप होते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है उससे बड़ी आस रहती है, ये राज्य को राजकाज को चलावेगा, तो सर माथे पर रखते हैं। अधूरा दिखाएगा, युवराज बनेगा, भले अभी अधूरा पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, फिर भी बाप की बच्चों में उम्मीद रहती है, ये मुरली में बोला है।